नया बाजार इंद्री में एक टेलर की दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जिससे दुकान में रखे सिले हुए कपड़े व अन्य सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान के मालिक चतर सिंह ने बताया कि उनकी दुकान में आग लगने से लाखों रुपए की नकदी व सारा सामान जलकर राख हो गया। उसकी दुकान में घर के मकान की रजिस्ट्री, बैंक की कॉपी, आधार कार्ड और ग्राहकों से लेन देन की बही खाते भी दुकान के अंदर ही रखे थे, जिससे इस घटना में वह पूर्णतः जल चुके हैं। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ स्वाह हो चुका था। टेलर के पड़ोसी परसोत्तम ने बताया कि टेलर चतर सिंह की दुकान में आग लग गई और इसकी सूचना आसपास के लोगों ने उनको फोन पर दी, लेकिन जब तक लोग इकट्ठे होते और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती तब तक उनका सारा सामान जल के राख हो चुका था। वह सरकार से मांग करते हैं कि इस दुकानदार की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए, ताकि वह दोबारा से अपना कारोबार कर सके, क्योंकि उसका पूरा परिवार ही इस दुकान पर निर्भर है। रात को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, दुकान का सारा सामान जल गया जी। जो कपड़े सिलने आ रहे थे लोगों के वो भी, जो सिले थे वो भी, और नकदी थी 1,27,000 और मशीनें जल गई, सब कुछ जल गया जी। घर के कागजात, चेकबुक, कापी, बैंक की, आधार कार्ड, सब कुछ जल गया, यही था मेरा सब कुछ जल गया जी। अब कौन देगा जी पैसे, मेरा लाख रुपये का लेन देन था जी, काफी थे 5,000 सिले भी थे 2,500। तो पड़ोसियों ने फोन किया मेरे को, फायर ब्रिगेड मशीन आई बाद में आई थी, सब में जल गई, काउंटर मशीन सब जल गए जी। यहाँ पर अभी वार्ड नंबर 9 में जो है ना राहुल टेलर की दुकान सारी जलकर राख हो गई है, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हो गया है, जिसमें कुछ कपड़े सिले हुए थे वो बिना सिले थे, और नकदी भी काफी रखी थी, घर का सारा सामान ये दुकान में रखा हुआ था, जो कि कई लाखों का नुकसान हो चुका है। हम सरकार से भी अपील करते हैं और भी इनकी तरफ गरीबी की तरफ देखते हुए भी इनको आर्थिक सहायता दी जाए, ज्यादा से ज्यादा पुरजोर अपील करते हैं कि सरकार इनकी तरफ जितनी भी हो सके ज्यादा से ज्यादा इनको सहायता दी जाए, ताकि ये बेचारा अपना दोबारा से अपना निर्वाह कर सके। अब इस दुकान के अलावा इसके पास कोई भी रोजगार नहीं है।